किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं करेगी। चाल है, हाय बड़ी खूबसूरत, लेकिन हाय जो सर फट गया हमरा ना, इसका हिसाब से चुकाना होगा। हिसाब चलता हूं मैं, ठीक है, चलिए राजा। बंदरा मैं तो जा रहा हूं, चालक भी याद रखूंगा। सुगरवा सारे को से बिया होबे नहीं करे, लेकिन पंचल यह जान लिया इनके पाप के घड़ा भारत चला जात बा, और लेकिन हम ज्यादा बोले तो हमार पहले फूटे। यह नाते पंचल अगर हमार समय आ जाए ने तो इनका सारे जिंदा दरवाज दे, और 12 साल बाद निकाले के बाद इनके लहास के साथ बलात्कार करो। रहे के पीछे हम आऊ लगा रहा, लेकिन कैसे ये मार चल। अरे कब खबरिया ले ब्याना, कब खबरिया ले ब्याना, कब खबरिया ले ब्याना, जसुदा माई के ललनऊ, कब खबरिया ले ब्याना। हम आओ थोर के घर काम बाटे जाई, वहर तोहर साफ हो परी भाई।
हेलो, चलो देखती हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये मिला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जमींदार क्या कह रहे हैं? तुम्हारी बेटी जो बंदरा है, मैं उसके साथ अपने बेटी की शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे जमींदार साहब, अब क्या करें? बिमला, मैं आज तुमसे कहकर आ रहा हूं, कल हमारी बारात तुम्हारे घर आएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और शादी करके तुम्हारी बेटी वंदना को अपनी बहू बनाऊंगा। अच्छा, लेकिन ठाकुर साहब, मैं तो बहुत गरीब हूं। बिमला, कहिए। हमारी बात सुनो ना। कहिए जी। और देख कर तेरी हालत पे हुआ दिल मेरा, बस दिलो जान से जा बंदना को दस बजे मेरी बारात आ जाएगी, और अपना सारा व्यवस्था कर लेना। तुम्हारी बेटी की शादी मैं अपने बेटे शंकर के साथ करना चाहता हूँ। ठीक साहब जी, ठीक है ना? ठीक, मैं जा रहा हूँ। हेलो, तूने आज तेरा चा भगवान खिलवे नाम का बताई भैया, हम परेशान ना है, लेकिन कैसे? अरे झूम का गिरगा नारी में बारात आने वाली है, थोड़ा बंदना को दूल्हे बना के बढ़िया से तैयार करना। अरे जमींदार कहाँ शादी हो रही है बहन की? दूल्हा का देखे हाथ की नहीं। हेलो, अरे नाव ठकुर बुलाई बाबा, बोला बाबा।
की शादी है, बढ़िया से धूम सुन यो नरुण जी दुल्हन तैयार करा बता तावई वाली बा। क्या बात है भाई? बजाया दिल जब तक बोली हुए भैया। क्या बात है भाई? ऐसा है। कैसा है? ठाकुर साहब ने काकी से बात कर लिए हैं। काकी से बात कर लिए हैं? जी हाँ भैया। बहन बंदना की शादी करने के लिए भैया। वाह वाह, लेकिन काकी ने मुझे नहीं बताई। ऐसा है, काकी आपके पास ही आ रही थी बताने के लिए। अच्छा हाँ भैया, काकी भैया से बोलिए। बोलिए काकी, बात क्या है? बोलिए ना। आज से हम ये जानना चाहता हूँ बात क्या है। बात की वंदना की बात तो बेटा ये है, मैं वंदना की शादी तय कर दी। वंदना की शादी ठाकुर भैरव सिंह के यहाँ कर दी? जी हाँ बेटा। कोई बात नहीं बेटा, की अच्छी बात है। शादी होने वाली है, दूल्हा आ गया। हेलो अनाउंस ठाकुरान जी, दुल्हन को लेके आइए। सुकेल ऐसी बात है भाई, हमारे पास शिव नहीं है। ऐसा है बिट्टी, अब तैयार ना बाटे, तैयार होता है ना होता है। अच्छा हम जो बाकस है, आलमारी है। अच्छा है। वाह वाह भाई, अच्छी बात है भाई। शादी का महोत्सव आप लोग देख के जाइएगा, सिर पर्दे पे है। धन्यवाद। हेलो भैया जी, तो विदाई का वक्त हो गया है। हमारी बहन लाखों में एक है, इसे प्यार से लेके जाना बाबुल का घर छोड़ के। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के करीब चली, एक ऐसी घड़ी आई है
क्या कहना है? इसी बात त्रिवेदा साहब, हम अपनी बहन को डोली में बिठा कर अपने कर्जे से पहुंचाना चाहता हूं। क्या बात? आपके घर तक अपनी बहन की डोली किसान। अर्जुन, क्या बात है? यह तो सौभाग्य की बात है, आप मेरे घर तक अपनी बहन की डोली पहुंचाओगे? जी आप क्यों नहीं, ये तो तुम्हारी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चलिए भैया, चिंता नहीं करना, बहन की डोली जमींदार के घर गई है, अर्जुन जी गए हैं, और देखना हमारी बहन को अच्छा घर मिला है और भगवान उसे अच्छी परवरिश करेंगे। भगवान की महिमा परम पारे है, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो सीन को दिख जाए लेकिन कहना है। अरे के हुक्का बिगाड़ दी, अरे के हुक्का बिगाड़ दी, ये राम ना बिगड़ी है दिलर, राम नाथ करी के हुक्का जी। शंकर, हाँ बेटा। पिताजी आपने देखा है अर्जुन को? जी हाँ, वही अर्जुन है पिताजी जो मेरा सरफड़ था। सुनो मेरी बात। हाँ कहिए। मैं बाद में सोचूंगा। अच्छा, लेकिन हाँ क्या, आज तुम्हारी सुहाग रात नहीं होगी, चलो जाओ बॉम्बे, कमा खराब के तुम्हारी सुहाग रात बाद में होगी। शादी मेरी और मेरी सुहाग रात आज नहीं, मैं बॉम्बे चला जाऊं, जब आऊंगा। पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो, पागल हो गए हो? अरे बेटा, सुहाग रात तो किसी दिन हो सकती है, लेकिन आज तुम्हारी सुहाग रात नहीं होगी, इसलिए जाओ बॉम्बे, कमा कराओगे, सुहाग रात तुम्हारी किसी दिन मनवा दूंगा, इससे कोई बात नहीं है। नहीं पिताजी। क्या बात है? आप मेरी बात सुनिए। हाँ क्या बात है? जैसा मैं कह रहा हूँ, शादी मेरी। पंडनाथ को मच्छर, नहीं आ रही
बेटा। कहिए पिताजी। अरे सुहाग रात आज नहीं कल भी हो सकती है पिताजी। शादी तुम्हारे बॉम्बे से आ जाने के बाद तुम्हारी सुहाग रात मैं करवा दूंगा। पिताजी पिताजी आप मेरी बात समझते काहे नहीं। 15 को मैं कितना चाहता था और आज मेरी शादी हुई, आज मुझे आप बॉम्बे भेज रहे हैं। अरे मानो मेरा कहा, मानो मेरा कहा, मानो मेरा कहा। रात तुम्हारी करवाऊंगा। अरे बेटा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारी सुहाग रात तो होना ही है। पिताजी आप मेरी बात सुनिए। क्या बात है? 15 से मेरी शादी आज हुई ना, और दुल्हन घर में आई है। हाँ और अच्छी मेरा फैसला अटल है। मैं कह दिया तुम जाओ, इसका मतलब मेरी सुहाग रात बॉम्बे जाओ। बॉम्बे से टमा कराओगे तुम्हारी सुहाग रात मैं करवा दूंगा। करिए बात है, करिए बात है पिताजी। तुम्हें आज ही बॉम्बे जा रहा हूं, लेकिन जब तक वहां से आना चाहूं 15 का ख्याल रखिएगा। 15 के बगैर मैं जी ही नहीं सकता। बेटा शंकर याद रखो। हेलो। अरे तुम्हारे रात माता गिलौता पुत्र है, जब तक तुम सुहाग रात नहीं मनाओगे तब तक ये जमींदार सुकून से नहीं बैठ सकता। पिताजी मैं क्या बताऊं, आज आपके कहने के अनुसार मैं तो यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मैं 15 के बगैर जी भी नहीं सकता। बेटा बॉम्बे चला जाओ और कुछ दिन के बाद वापस आओगे, तुम्हारी सुहाग रात 15 से मैं करवा दूंगा। करिए बात है, करिए बात है पिताजी। मैं आज ही बॉम्बे जा रहा हूं। जाओ इसी वक्त जाओ, और 15 का ख्याल करना ये आपके ऊपर है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नमस्कार नमस्कार। मेरे साथियों असली खेल का मजा आएगा। शहर मुंबई चला गया है, मजा आएगा। अब देखिए मैं क्या चाल चलता हूं। और जाना ना जाए कि कभी मेहनत रसूल की
अर्जुन ठाकुर साहब क्या है इस शिवा थे ना हम घर ना घर जाना चाहता हूँ घर जाना चाहते हो जा। अरे बेटा आज रहो तुम्हारी स्वागत करूंगा जी हाँ आज नहीं तो कल अपने घर चले जाइएगा इसी बात ठाकुर साहब मेरी बात सुनिए ना क्या है कहो ना हम ना ठाकुर साहब मैं क्या कह रहा हूँ ये बात सुनिए अरे बेटा क्या तुम्हारे बहन का घर है क्या तुम्हारे बहन का घर है आज नहीं कल सुबह चले जाना तू अपने घर आप ये सब आप ये सी न पाते और करना नहीं करना नहीं और छुट्टी दे दो मुझे खरे ठाकुर साहब तो मैं जानता हूं मेरी बहनी खरे और छुट्टी दे दो अभी खरे जाऊ बात ठाकुर साहब अर्जुन क्या बात है चलो मेरे साथ सुबह अपने घर चले जाना तो ठीक है चले ना ठीक है चलो लोग नहीं जानते हैं ये अर्जुन मेरे बेटे का सर फोड़ा है मैं साले तेरी दुनिया उजाड़ दूंगा तुझे आज तक जिंदा जब तक तेरी धज्जिया उजाड़ नहीं दूंगा अरे साले कुत्तों को खिलाऊंगा क्या रे अरे मेरे हक में तूने मेरे हक में तूने अरे पूरा सुनेंगे अर्जुन हमारे बेटे का सर फोड़ा है सारा को जीवित नहीं जाने दूंगा क्या हुआ चला साला बाबू आज
अर्चना की सुहाग रात है। हाँ बाबू, मैं तुझे मारकर अर्चना की सुहाग रात मनवाऊंगा। बाबू पियानो ले आए, क्योंकि अर्चना की सुहाग रात में अर्चना की चारपाई पर तू होगा, मुस्कुराता साथियों, इसकी लाश अर्चना की शेष पर होगी और अर्चना जब सुहाग रात मनाने आएगी, अर्जुन का कपड़ा पहनाकर इसे अर्चना के कमरे में सुता दूंगा। असली खेल का मजा आएगा। सुहाग रात है, अब मैं चलती हूँ अपने पति के कमरे में, सुहाग रात मनाऊंगी मैं। राजा की आएगी बारात, राजा की आएगी बारात मेरे
इतना का सुहागरात है, मैं इसे लेटाकर चला जाऊंगा। मेरे साथियों, अर्चना आएगी कि मेरे बेटे का कपड़ा लिबास पहनकर सुता दिया हो इसको, और ये अर्चना सुहागरात माती है। आप लोग देखिएगा कैसे सुहागरात मनाती है। गंगा जल है, गंगा जल नहीं बल्कि तेजाब है। इस सारे का मुंह जलाकर राख कर दूंगा ताकि अर्चना ये पहचान ना सके कि हमारा शंकर है कि और कोई है। इसका राख हो गया और चला के पहचान में नहीं आएगा। अरे बेटा शंकर, तुझे तो ऐसी सजा दूंगा शायद कोई सोच नहीं सकता। अब देखिए ये लाश अर्चना के कमरे में है और मैं जा रहा हूं। अर्चना सुहाग रात में आती है तो क्या कहती है। मेरे स्वामी जी सो रहे हैं, चलती हूं, आज मैं उनको जगाऊंगी। ए जी, ए राजा, आज सुनते हो, देखो तुम्हारी पत्नी आई है, उठ जाइए ना। ए जी, ए राजा, क्यों कह रहे हैं आप? तूने मेरे बेटे का खून कर दिया। बाप रे बाप। नहीं ठाकुर साहब, मेरी बात सुनी, खून मैंने किया है। अट्टा
था। ये रहा तेरी कला की, आज मेरी दुनिया उजाड़ दिया हराम जादे। कला तेरे बेटे का खून मैं नहीं किया हूं। तूने हक में ये मेरे, तूने हक में ये मेरे पूरा कर दिया। पर फोन तुमने ना किया था? जी हां मैं किया हूं। थाने पर तुमने फोन किया था? ये है मेरे बेटे का असली कातिल, मैंने इसके हाथ मत करी डाली है, इसके बाद बात होगी। चौकीदार अपने बहन को मन से धुंग मार। मैं समझ गया, समझ गया। इन्होंने हाँ कहे क्या बात कर रहे हैं? हेलो सामने बात सुनी। हाँ कहे क्या बात? कौन साहब हमें दिया है कि
चौकीदार। शिवाजी साहब। मैडम जी कहाँ हैं? हाँ कृष्ण से पढ़ाइए। क्या बात है? ए चौकीदार हथेली लगाओ। जी हाँ साहब, इसे फांसी की सजा दिलवाइएगा। हाँ दिला देंगे। जे मेरे बेटे का खून किया साहब, मेरा इकलौता पुत्र था, आज हमारा बेटा सारी दुनिया से जुदा हो गया। दिलवा दूंगी मैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कोई वारिस नहीं है। रामकुल भैया दोस्तों, मेरे पास न बहन है, न भाई है, न बाप पिता कोई नहीं है, अल्लाह वारिस है। ले चलिए साहब, सोच के चलिए। रामकुल भैया कोई ना रहैया, चला जाए भाई कोई ना रहैया, कोई ना रहैया, कोई ना रहैया, पता चला जाए कोई ना। तो आज हमें थाने लेकर चल रहे हैं। मैडम जी क्या देख रही हैं आप, इसे लेकर थाने पर चलिए। और मैं इस शंकर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूं। तो ठीक है, चलो। शंकर की लाश को उठा लो और ले चलो पोस्टमार्टम के लिए। मैडम को क्या मैडम को मैं कह रहा अभी ये बहू मेरी सो रही है, अभी उठेगी। ये अपने दिल के अंदर सोचेगी। बाबू, बाबू जब भैया मरीन गए, हाँ बंदरों के लेकर घर पहुंचाए देवा। किसके घर रे? जगह घर कर रही। पागल है साला तू। बंदला यही रहेगी, अब इसकी नींद टूटेगी तो अपने आप उठकर सोचेगी। दोस्तों मैंने वादा दिया था कि आप लोग हंसते हुए जाएंगे, ये तो ठाकुरों की राजनीति थी, तो ठाकुर की नाथ राजनीति थी। हेलो, उठाओ उसको, होश मिलाओ। जी हाँ,
बेटी इधर आओ। वंदना इधर आओ, मैं तुमसे कराऊं इधर आओ। अब तो मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। चलो मैं तुम्हारे मायके पहुंचा देता हूं, ठीक है? और क्या कहूं मैं इस घड़ी, क्या कहूं मैं घड़ी, क्या कहूं मैं इस घड़ी, तबीयत पड़ी ना, समझ आता मेरे हमारा बेटा इस दुनिया में ना रहा, चलो हम तुम्हारे मायके पहुंचा देता हूं। इधर आओ। क्या हुई बाबूजी? बेटी बड़ी अफसोस की बात है, हमारा बेटा इस दुनिया में न रहा। अब चलो मैं तुम्हारे मायके लेकर चलता हूं। हेलो। हाँ माँ, उनका लेने के लिए भैया बैठा हुआ। मैया अभी तक दीदी बहन मंजरा का कोई खबर नहीं मिला। नहीं बिटिया, मिला तो नहीं। इनका लज्जा भैया छोड़ावा। क्या बात है, अभी तक कोई खबर नहीं मिली? मिले तो नहीं खबर। जमींदार साहब, क्या बात है जो आप मेरी बहन को इसे बताए हैं, बताइए। बड़ी अफसोस है। क्या अफसोस की बात है, बताइए बताइए ना। मेरे बेटे का हो गया
बेटे का खून कर दिया बेटी। और जीजा का खून है काले पापी या जी में हाँ जाना चाहती हूँ। बात है बताइए कौन है वो? खून अर्जुन है इस समय अर्जुन जेल है बेटी। मैं उसे जेल में भेज दिया हूं। बाबूजी परमात्मा साथी होगा अर्जुन जिस दिन तू जेल से छूटेगा ना जिससे मेरे बाहर के स्वाद को मिटाया है मैं तुझे सोनपुरा जिला से मिटा के बेटी अरे फटती मेरी छाती है फटती मेरी छाती है तड़पता दिल हमारा कहाँ है बेटा शंकर है बोलिए दुनिया छोड़कर तू चला गया मुझे बर्बाद कर दिया धड़कता जा रहा बेटी अरे दिल हमारा बाबूजी मैं जा रहा हूँ अर्जुन के घर उसके घर जा रहा हूँ ठीक है चाहिए
मिंद्रा तू साक्षी है इस खून का, बता वाकई में अर्जुन ने यह खून किया है? ये तो इतना बड़ा सदमा लगा है बहन को, मैंने पूछा कि खून अर्जुन ने किया है, खून का नाम सुनते मेरी बहन बेहोश हो गई। सही कह रही हूँ भैया, चलो इसीलिए चलते हैं डॉक्टर के पास।